आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को ECS फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ क्लेम, ठीक है। किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र पेमेंट एक ही जैसे होता है, जिसमें लगभग बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक उदाहरण जैसे बजाज एलियंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्म भर के बताऊँगा। जब भी आप किसी कंपनी का ECS फॉर्म भरना हो तो ECS फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर जाइए और उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। तो गूगल क्रोम पर जाके कैसे फॉर्म डाउनलोड करते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, हम गूगल क्रोम पर आ गए और गूगल क्रोम पर आने पर गूगल सर्च में देख लीजिए। गूगल सर्च में लिखा है बजाज एलियंज ECS फॉर्म। जैसे ही आप बजाज एलियंज ECS फॉर्म लिखेंगे आपको इस प्रकार का स्क्रीन खुल जाएगा, दिखेगा आपको PDF दिख रहा है यहाँ पे। इस PDF को टिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। मान लीजिए आपको किसी दूसरे कंपनी का डाउनलोड करना है तो इस जगह पे आप उस दूसरी कंपनी का नाम डाउनलोड भर दीजिए तो उसका फॉर्म आपको दिख जाएगा, खुल जाएगा। जैसे आपको SBI का लिखना है तो SBI का ECS फॉर्म लिख दीजिए। SBI लाइफ इंश्योरेंस का, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का करना है तो LIC का भी आता है, LIC का भी ECS फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसको आप आसानी से कैसे भरते हैं उस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं कि ECS फॉर्म कैसे आपको भरते हैं बताएंगे। तो देखिए, हमारा ये ECS फॉर्म डाउनलोड हो गया है और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टू बजाज एलियंज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जिस भी कंपनी का आप भरेंगे उस कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद कुछ ऊपर में जो रहता है उसमें दिया रहता है ऑफिस कोड और नेम, मतलब ये उसके ऑफिस कोड का नाम रहेगा यहाँ पे। और ऑफिस कोड उसका नाम यदि आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पार्टनर आईडी दिख रहा है, इसको आपको नहीं भरना है। यहाँ पे दिखा है, साफ लिखा हुआ है टू बी फील्ड बाई ऑफिस, मतलब ऑफिस वाले उसको भरेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, देखिए फुल नेम, फुल नेम श्री है तो श्री को टिक कर दीजिए, बाकी को आप क्या कर देंगे कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर श्री को ऐसा टिक कर दीजिए, बाकी क्या करेंगे कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नाम आपको वही लिखना है जो आपके बैंक अकाउंट में रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम मुकेश कुमार सिन्हा है तो मैं उसमें मान लीजिए कि मेरा जो पासबुक है उसमें मुकेश सिन्हा लिखा हुआ है तो मैं मुकेश कुमार सिन्हा नहीं लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा मुकेश सिन्हा ही लिखूँगा, ठीक है। तो जो नाम आपका पासबुक में रहेगा वही नाम आपको इसमें लिखना है, आपको अलग से नाम आपका जो भी नाम हो वो नहीं लिखना है, जो आपके पासबुक में टाइप है वही लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद फुल एड्रेस जो आपके पासबुक में रहेगा वही आपको इसमें एड्रेस में डालना है, ठीक है, इस एड्रेस में आपको डाल देना है। पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी अवश्य डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए बैंक नेम दिख रहा है यहाँ पे। तो बैंक नेम मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो क्या लिखेंगे SBI लिख देंगे। मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है तो PNB लिख देंगे, ठीक है। ब्रांच नेम एड्रेस, ब्रांच नेम मतलब मान लो जी आपका बैंक जो पिथौरा ब्रांच है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिथौरा ब्रांच, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यहाँ पे पिथौरा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे पिथौरा लिख दीजिए। और एड्रेस जो भी एड्रेस है उस बैंक का उसका एड्रेस। ब्रांच टेलीफोन नंबर यदि पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है IFSC कोड ऑफ NEFT, ठीक है। यहाँ पर आपको IFSC कोड लिखना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है हमारे पिथौरा का IFSC कोड क्या है, है ना, तो लिख दीजिए जैसे कि SBIN0002885, ये हमारे पिथौरा का SBI का IFSC कोड है। मान लीजिए आपको नहीं पता तो उसको भी अपने हम बताएंगे आपको कैसे IFSC कोड निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए आप गूगल सर्च पे चल दीजिए। देखिए जनक, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे SBI पिथौरा का ब्रांच कोड पता है तो मैंने लिख दिया। मान लीजिए मुझे PNB बया, हमारा नियरेस्ट ब्रांच है PNB का, तो उसका मुझे IFSC कोड नहीं पता तो मैंने क्या लिखा, देखिए यहाँ पे PNB बया IFSC कोड, ठीक है। PNB बया IFSC कोड लिख दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे खुल गया IFSC कोड, यहाँ तक कि उसका माइकर कोड भी आपको खुल गया। PNB बया का IFSC कोड देखिए क्या लिख रहा है, PUNB0276800, ठीक है। यहाँ पे आपको माइकर कोड भी दिख रहा है और देखिए यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है, हो सकता है वो कॉन्टैक्ट नंबर बंद हो गया होगा तो अलग बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उस बैंक का पूरा सारा डिटेल्स खुल जाता है। तो आप इसके माध्यम से किसी भी बैंक का ब्रांच का, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, उस शाखा का नाम लिख देंगे। शाखा का नाम लिखने के बाद आपको उसका IFSC कोड मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपको जब आपका ब्रांच आईएफएससी कोड पता चल जाएगा तो आप इसको यहाँ पर भर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एमआईसीआर कोड भी दिख रहा है, उसको भी आप उस वहाँ से निकाल के भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर एज पर बैंक अकाउंट, मतलब यहाँ पर आपको वही भरना है जो आपका नाम आपके पासबुक में है, तो यहाँ पर आप वही नाम भरेंगे जो आपके पासबुक में दिख रहा है, ठीक है। अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप में आपको आपका जो अकाउंट है वो किस प्रकार का अकाउंट, यदि सेविंग है तो सेविंग पे टिक कर देंगे, और यदि आपका अकाउंट करेंट अकाउंट है तो करेंट पे टिक कर देंगे, ठीक है। जनरली सेविंग रहता है या तो करेंट अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट नॉर्मल सामान्य व्यक्तियों का रहता है, और जो बिजनेस करते हैं उन लोगों का करेंट अकाउंट रहता है, तो सामान्यतः सेविंग अकाउंट रहता है, ठीक है। यदि करेंट अकाउंट है तो कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, जितना भी आपका अकाउंट नंबर है पूरा पूरा यहाँ पर डिटेल डालेंगे, फिर यहाँ पर उस जगह का नाम जिस जगह पर है, यहाँ पर डेट, और उसके बाद यहाँ पर आप साइन कर दीजिएगा। ये हो गया आपका ECS फॉर्म कंप्लीट। उसके बाद ये नीचे है, ये नीचे का तो काम ऑफिस वाले का काम रहेगा, ठीक है, ऑफिस वाले भर देंगे। इतना करके आप फॉर्म को उनको दे दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोग धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।